Assalamu alaikum student, Bismillah Rahman Rahim. Today our topic of discussion will be biological molecule and enzyme. जैसे कि बच्चे हम previous जो lectures हैं videos हैं उनके अंदर हमने past paper में आने वाले different UHS के जो topics से related issues हैं उनको discuss किया. आज बच्चे इसी तरीके से हम जो topic biological molecule और enzyme है यहाँ से आने वाले conceptual और जो information based MCQs हैं उसको हम discuss करेंगे. अगर बच्चे आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें क्योंकि यहाँ पर जो आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स और वीडियोस मिलेंगी वो MDCAT से रिलेटेड और लेटर ऑन FSC से रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मटीरियल मिलेगा. तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करते हैं ताकि कोई भी जब नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम. सबसे पहले बच्चे आपके पास यहां पर एमसीक्यूज है जी. विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज. बच्चों सेल के अंदर होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म है ये. ठीक है, अब बॉडी के मेटाबॉलिज्म में डेफिनेटली एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी डिफरेंट तरह के सब्सटेंस के अंदर बच्चों स्टोर होती है तो उन सब्सटेंस को रेस्पायर किया जाता है, सेल रेस्पिरेशन की मदद से तोड़ा जाता है, वहां से एनर्जी निकाली जाती है और फिर बॉडी के डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज में उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है. हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी वो तो बच्चों ATP है लेकिन उस ATP को बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ों की सेल रेस्पिरेशन की जाती है जिसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज की सेल रेस्पिरेशन की जाती है. लेकिन बच्चों वो कौन सा ऐसा बॉन्ड होता है इन सब्सटेंस के अंदर जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है एनर्जी को स्टोर करेगा, तो वो बच्चे आपके पास जो बॉन्ड है वो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. जो आपने बात याद रखनी है, चार्ली ऑप्शन जो बच्चों वो करेक्ट है और ये आपकी बुक के ऊपर बच्चों क्लियर कट बताया गया है. आप देख सकते हैं कि PTB का जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उसका टॉपिक है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन. वहां पर उसने बताया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं लेकिन बच्चे वो कोवलेंट बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बनता है, ठीक है, इसके अंदर स्टोर होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है. तभी बच्चों ये एक सिंपल सी रीजन आपने पढ़ा हुआ है कि जो लिपिड्स होते हैं इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं और कार्बन ऑक्सीजन प्रोपोर्शन बहुत कम होता है. ठीक है, ये वाले बॉन्ड बहुत कम होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से ये बच्चों लिपिड्स होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोरेज कर सकते हैं. स्टोरेज ऑफ एनर्जी लिपिड्स की बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से लिपिड के अंदर बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है. ठीक है, तो आपने पॉइंट याद रखना है. लिपिड के पास ऐसी कौन सी चीज होती है कि वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, तो लिपिड के पास बच्चों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं. चलो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें. द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल व्हिच होल्ड वाटर टुगेदर इज कॉल्ड एज. तो बच्चे वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से अटैच होता है. बच्चों यहाँ पर मैं वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. वाटर में ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर बच्चों आपको दूसरा वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. तो एक बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यहाँ पर करता है. अब ये बच्चे जो चीज है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया है, अटैच हो गया है. तो बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट में उसने जनरल आपसे चीज पूछी है कि वो कौन सी अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, होल्ड करते हैं आपस में. तो बच्चे वो हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज में ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है टेंशन, एडहेजन, कोहेजन, एम्बिशन, इम्बिबिशन. तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली कोहेजन. बेसिकली कोहेजन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि कोहेजन बच्चों ऐसी अट्रैक्शन होती है जो पाई जाती है सेम मॉलिक्यूल के दरमियान में. अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल और बच्चों आपको पता है कि वाटर, ये भी वाटर मालिक्यूल है और ये भी वाटर मालिक्यूल है, दोनों सेम है। इनके दरमियान में बच्चों ये जो वीक अट्रैक्शन पाई जा रही है ये इसको होल्ड करके रख रही है। इसको जनरली हम क्यूजन बोलेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो आपने बात याद रखनी है। चलो बच्चों नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट आ गया जी नेम द ह्यूमन टिश्यू दैट कंटेन अबाउट 85% वाटर। तो बच्चों ये आपकी बुक से एमसीक्यूज क्लियर कर जो है वो लिया गया है कि ह्यूमन के ब्रेन सेल्स जो होते हैं इनके अंदर बच्चों तकरीबन 85% जो है वो वाटर मौजूद होता है। और भी बच्चों कुछ सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई आपकी बुक के ऊपर, लाइक बोन सेल के बारे में लिखा हुआ है कि जो बोन सेल हैं इनके अंदर अबाउट 20% बच्चे जो है वाटर मौजूद होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, तो बच्चे आपने याद रखना इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज या नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आप अपने जहन में रखेंगे चीज। चले फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो फर्दर यहाँ पर आगे आ गया जी एमसीक्यूज। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए फौरन से एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? तो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए फौरन एनर्जी मिलती है आपको एटीपी से, क्योंकि बच्चे सेल में जितनी भी एक्टिव एक्टिविटीज होनी है वो उनको करवाना, उनके लिए एनर्जी देना एटीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी बच्चों एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये सेल की एनर्जी करेंसी है। लेकिन इस एटीपी को बनाने के लिए क्या अमल होता है बच्चों? एटीपी को बनाने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन की जाती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो ये बच्चों आपने पॉइंट याद रखना है। लेकिन अगर आपको इमीडिएट फौरन बच्चों की सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली एटीपी ही होगा। तो ये बच्चों आपने पॉइंट क्लियर जो है वो अपने जहन में कर देना है। नेक्स्ट बच्चे जरा देखें द कम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर विद द बेस। अगर बच्चे आप पेंटोज शुगर को बेस के साथ जोड़ दो तो रिजल्ट के तौर पे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो बच्चे रिजल्ट के तौर पे जो कंपाउंड बनता है आपने अपनी बुक में क्लियर कट पढ़ा हुआ है न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में कि वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब बच्चे आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि तीन जो है ना वो चीजें, ठीक है, तीन पार्ट जो है बच्चों न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक होती है बच्चों नाइट्रोजनस बेस, वो कोई भी हो सकती है, प्यूरिन पायरिमिडीन में कोई भी हो सकती है। एक बच्चों होती है पेंटोज शुगर जो आरएनए में राइबोज है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, और बच्चों साथ में होता है फॉस्फेट। अब अगर बच्चों जो है वो इनके अंदर दो एलिमेंट आपस में जुड़े हैं, लाइक मैं कहता हूं कि राइबोज में बच्चों यहाँ पर राइबोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये जरा देखिए। राइबोज में जो कार्बन वन होता है इस कार्बन वन के साथ बच्चों नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई होती है, प्यूरिन पायरिमिडीन कोई भी चीज हो सकती है। तो ये इसका मतलब है दो चीजें होगी, ये कार्बन वन है, ये कार्बन बच्चों यहाँ पर आ जाता है टू, ये है कार्बन थ्री, कार्बन फोर, और कार्बन फोर के ऊपर यहाँ पर होता है कार्बन फाइव। ऐसे ये मैंने राइबोज बना लिया। अगर बच्चे सिर्फ दो चीजें हों, मतलब पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, तो ये बच्चों रिजल्ट के तौर पर जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन बच्चे न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आप यहाँ पर एक फॉस्फेट, जस्ट वन फॉस्फेट बच्चे आप यहाँ पर अटैच करवा दें तो रिजल्टेंट यहाँ पे जो चीज बन जाएगी इसको बच्चों हम बोलते हैं, अब ये तीन पार्ट्स मिलने की वजह से जो चीज बनेगी इसको अब हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों आपने चीज याद रखनी है, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, और अगर तीनों चीजें मिल जाएं, एडिशनली फॉस्फेट भी आ जाए, तो बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है? मोनोमर होता है, इसका सब यूनिट होता है। अगर तो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा तो आरएनए बच्चों बनेगा, अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा तो डीएनए बनेगा। ये बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे थ्रू अ स्पेशल फीचर और साइट प्रेजेंट एंजाइम। बच्चों एंजाइम के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करते हैं? तो बच्चे हम यहाँ पर इसको जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम है। एंजाइम के स्ट्रक्चर में जो दो चीजें होती हैं, एक इसका होता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, और एक एंजाइम का बच्चों यहाँ पर है एक्टिव साइट। अब एंजाइम की एक्टिव साइट बच्चे वो जगह होती है जो एंजाइम के रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन बच्चे अगर हम मोर प्रिसाइजली बात करें तो एंजाइम की एक्टिव साइट में फर्दर टू साइट्स होती हैं। फर्स्ट वन बच्चों यहाँ पर है बाइंडिंग साइट जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करके अपने साथ अटैच करवाती है, और दूसरी बच्चों अंदर चार्ज साइट होती है, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक साइट। और कैटालिटिक साइट का बच्चे मेन काम होता है जो सबस्ट्रेट को चेंज कर देना और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो बच्चे जरा देखें यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, बीटा ऑप्शन है एक्टिव साइट और डेल्टा इनहिबिशन साइट। तो बच्चे जो चार्ली ऑप्शन है ये ज्यादा सूटेबल है कैटालिटिक साइट। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, कैटालिटिक साइट ऑप्शन में आना था। तो कैटालिटिक साइट बच्चे वो जगह होती है जिसकी मदद से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उसको जो है बच्चों वो कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। अगर तो यहाँ पर बात आती है कि सिर्फ बाइंड करता है, ठीक है, तो बाइंडिंग साइट आ जाता है कि एंजाइम की वो जगह जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है। लेकिन बच्चे उसने स्टेटमेंट में वर्ड प्रॉपर यूज किया है कि रिएक्ट करता है, ठीक है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो बच्चों कैटालिटिक साइट होगी। चलिए नेक्स्ट बच्चे जरा एमसीक्यूज देखें। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम व्हिच इज कोवलेंटली एंड परमानेंटली बॉन्डेड इज। अच्छा बच्चों एक बात याद रखनी है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए ना नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। तो बच्चे एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्टनर होता है वो बच्चों कहलाता है कोफैक्टर, ठीक है, ये पॉइंट पे आपने जरा गौर करना है। वो नॉन प्रोटीन पार्टनर ऑफ एंजाइम क्या है बच्चों? कोफैक्टर है। अब कोफैक्टर बच्चों तीन तरह के हैं, कोफैक्टर की थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट वन बच्चे जो है वो है जी एक्टिवेटर्स। अब मैं आपको यहाँ पर बच्चों टिप्स बताऊंगा, आपको यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा जिनको आपने जेहन में रखना है और उसकी वजह से आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। एक्टिवेटर होता है बच्चों को इंजाइम होता है और लास्ट वन है प्रोस्थेटिक ग्रुप। बच्चे जरा देखें एक्टिवेटर जो है, एक्टिवेटर ऐसा कोफैक्टर है, मैं आपको इसके कुछ कीवर्ड बताऊंगा। ये बच्चों पहली बात तो है इनऑर्गेनिक है, दूसरी बात है ये मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, और तीसरी बात बच्चों ये है कि ये लूजली अटैच करते हैं, ठीक है, लूजली एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड करेंगे। ये बच्चों आपने पॉइंट को जरा गौर करना है, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं कि इनऑर्गेनिक है, मेटल आयन है और जो एक्टिवेटर होते हैं बच्चे लूजली बाइंड करते हैं, ठीक है। कोएंजाइम की बात करें तो बच्चे कोएंजाइम ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, और ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें, ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है, और ये एंजाइम के साथ बच्चों परमानेंटली अटैच होते हैं या कोवलेंटली अटैच होते हैं। ये सारे ही बच्चों नॉन प्रोटीन, लेकिन आगे आपने ये कीवर्ड्स जो है ना इसके याद रखने हैं कि एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक होते हैं और ये मेटल आयंस हैं, ठीक है, डिटैचेबल होते हैं, लूजली अटैच करते हैं। कोएंजाइम जो है ये ऑर्गेनिक हैं और लूजली अटैच करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है और कोवलेंटली अटैच करेंगे। अब स्टेटमेंट जरा पढ़ें, इसमें क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, मतलब कोफैक्टर की बात हो रही है। अब कैसा कोफैक्टर है आपने अगली बात से इजहार करना है बच्चों, आपको जाहिर हो जाएगा अगली बात से कि वो कौन सा है। देखिए व्हिच इज कोवलेंटली, तो बच्चे आप देखें यहाँ पर एक ही था जो कोवलेंटली बच्चों एंजाइम के साथ अटैच कर रहा था और कौन सा था? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो आंखें बंद करके बच्चे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप अल्फा ऑप्शन जो है वो मार्क करते हैं, ठीक है। बच्चों कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपने अपने ज़हन में रखने होते हैं, एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट बच्चे जरा एमसीक्यूज देखें। वन ऑफ द पायरिमिडीन बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, बच्चे वो कौन सा पायरिमिडीन है जो डीएनए में एब्सेंट होता है? एक बार बच्चों याद रखनी है, पायरिमिडीन ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो सिंगल रिंग्ड होती हैं, ठीक है। इनमें बच्चों जो है ना वो चार इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, साइटोसिन, थायामीन, उसके अलावा आ जाएगी बच्चों यूरासिल, सॉरी थ्री होती है, ठीक है। लेकिन डीएनए में बच्चों जो नहीं पाई जाती वो होती है यूरासिल। तो यूरासिल कहाँ पर पाई जाती है? तो बच्चों यूरासिल पाई जाती है आरएनए में। आरएनए में थायामीन नहीं पाई जाती, डीएनए में थायामीन पाई जाती है और यूरासिल मौजूद नहीं होती। तो बच्चे एमसीक्यूज किसी भी तरीके से आ जाए तो आप ये कर सकें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डीएनए में कौन कौन सी होती है और आरएनए में कौन कौन सी होती है। डीएनए की बात करें तो बच्चे डीएनए में पहले मैं लिखूंगा प्यूरीन जो डबल रिंग होती है, एडीनिन, गोवानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडीनिन और गोवानिन बच्चों जो हैं ये प्यूरीन है, डबल रिंग है, और साइटोसिन और थायामीन ये पायरिमिडीन है, सिंगल रिंग है डीएनए में। आरएनए की बच्चे अगर हम बात करें तो आरएनए में जो पाई जाती है नाइट्रोजनस बेसिस वो है एडीनिन, गोवानिन, ये बच्चों दोनों में कॉमन है। फिर आरएनए के अंदर साइटोसिन भी होती है, लेकिन बच्चों थायामीन की जगह आरएनए के अंदर पाई जाती है यूरासिल, ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजनस बेस का जो है वो दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट जरा देखें, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, तो बच्चों एंजाइम जो है वो इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन कैसे? बच्चों ये एंजाइम की आपने करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये क्लियर कट पड़ा हुआ है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। अच्छा बच्चों एक आपने बात याद रखनी है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है बच्चों फिजिकल रिएक्शन और एक होता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, फिजिकल रिएक्शन जो होता है ये जो हम लेबोरेटरी में करते हैं जो किसी भी नॉन लिविंग ऑपरेटर्स के अंदर हो रहा होता है वो फिजिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन में बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं की जाती बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब बच्चे एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन नेचर है, ग्लोब्यूलर हैं, तो एंजाइम जिस रिएक्शन में यूज होंगे उसको आप हीट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो एंजाइम क्या करते हैं बजाय इसके कि सिस्टम को रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दें, उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ही डैम कर देते हैं ताकि सबस्ट्रेट बच्चे मैक्सिमम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो एंजाइम की वजह से बच्चे जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलो बच्चे नेक्स्ट देखें, व्हिच प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। तो बच्चे वो कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करती है। तो बच्चे ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज या ये जो स्टेटमेंट है वहां से नहीं आई, ये आई है सेकंड ईयर का चैप्टर जो 15 है और होम्योस्टेसिस वहां से आई है। वहां बच्चे रोल ऑफ लीवर के अंदर उसने बताया हुआ है कि जो एल्ब्यूम है ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसको लीवर बनाता है और ये ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जो बच्चों वो प्रोटीन है और ये ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। बच्चों यहाँ से आपको एक बात जो है वजाहर हो रही होगी कि एमसीक्यूज बच्चों कोरिलेशन के साथ आ सकते हैं, मतलब एक चैप्टर जो आपके एमडीकैट में शामिल नहीं है लेकिन उस चैप्टर के अंदर से बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो दूसरे किसी चैप्टर से जो एमडीकैट में इंक्लूड ऐसे मिलते जुलते हो तो बच्चे वहां से एमसीक्यूज को डेवलप कर सकते हैं, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। जी बच्चे नेक्स्ट देखें, द एंजाइम यूज्ड टू आइसोलेट जीन फ्रॉम डीएनए। तो बच्चों ये भी कुछ इस तरीके का ही कोरिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पर आ गया। वो एंजाइम बच्चे आपने बताना है जो डीएनए को कट करने के लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चे सेकंड ईयर के चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी से ये एमसीक्यूज डेवलप किया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनको बच्चे मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल की जाती है फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए, फॉर द कटिंग ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट कर सकते हैं। बच्चों ये भी कोरिलेशन से ही एमसीक्यूज डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है। लास्ट तक बच्चों वीडियो लाजमी देखनी क्योंकि बहुत सी ऐसी मैं ट्रिक्स और चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चों आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम वाले एमसीक्यूज सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। जी बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स। तो बच्चे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के नाम पे जरा गौर कर लेना तो कार्बो का मतलब है कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट कार्बो का मतलब है जी कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। अगर आप कार्बन के साथ वाटर लगा दो तो जो चीज बनेगी वो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब है तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। वो कौन कौन सी चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डेल्टा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। तो आप जरा देखिए कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चों कंसेप्ट को, चीजों को ग्रैब करना बड़ा आसान है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है। चलो बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों आपने फॉलोइंग ऑप्शन में से जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके बारे में आपने बताना है। तो आप अल्फा ऑप्शन देखिए, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन नाइट्रोजन, तो यही बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। कैसे मैं आपको बच्चों यहाँ पर ये चीज समझाता हूँ। देखिए बच्चे हम यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बच्चों यहाँ पर दो ना अमीनो एसिड ले लेता हूँ, एक मैं लेता हूँ ग्लाइसिन और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एलानिन। ग्लाइसिन बच्चों सबसे छोटा अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें जो आर ग्रुप होता है वह बच्चों सिंपल हाइड्रोजन, ये जरा देखें आर ग्रुप की जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और दूसरी जगह पर एक हाइड्रोजन हमेशा बच्चों जो है वो बाइंड रहेगा और ये आ गया अमाइन ग्रुप। एलानिन की बात करें तो बच्चे एलानिन भी सिंपल ही अमीनो एसिड है लेकिन ग्लाइसिन से बड़ा होता है क्योंकि इसमें आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन नहीं है बल्कि क्या है बच्चों, मिथाइल है। ये बच्चों आपने चीज याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। और ये इसका आ गया अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप बच्चों इसका मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर होगा क्या, दो अमीनो एसिड के दरमियान में बच्चों कंडेंसेशन होगी। कैसे, लेफ्ट साइड वाला जो अमीनो एसिड होगा उसके कार्बोक्सिलिक एसिड से OH आएगा और राइट साइड वाले अमीनो एसिड के बच्चों अमाइन ग्रुप से H आएगा। यहाँ से वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब रिजल्ट के तौर पर बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया है ये है जी आपका डाइपेप्टाइड बॉन्ड, मतलब दो अमीनो एसिड के मिलने से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। और बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे ये दो अमीनो एसिड जब डाइपेप्टाइड मिलके बनाते हैं तो उनमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये देखिए अभी मैं एलानिन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एलानिन का अमाइन ग्रुप आ गया और ये यहाँ से अटैच हुआ था दूसरे ग्लाइसिन के साथ। अब ये बच्चे जो रिजल्टेंट आपके पास डाइपेप्टाइड बना है इसका नाम है ग्लाइसाइल एलानिन। और इसके अंदर बच्चे आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अच्छा। और दूसरी बच्चों बात मैंने जो आपको यहाँ पर बताई थी वो ये थी कि ग्लाइसिन के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो H जो है वो R को रिप्रेजेंट करेगा, और एलानिन के अंदर बच्चों जो मिथाइल ग्रुप है वो R ग्रुप के तौर पे आता है। तो ये बच्चों पॉइंट आप याद रखें, यहाँ से भी MCQs आ सकते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट जरा MCQs देखें। नेक्स्ट MCQs है जी, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बच्चों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम फॉलोइंग ऑप्शन में देखते हैं कौन सा बच्चों अनसैचुरेटेड है। एसिटिक एसिड की बात करें बच्चे, एसिटिक एसिड ऐसा फैटी एसिड है जो 2 कार्बन पे कंसिस्ट करता है और इसके कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब है सैचुरेटेड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बीटारिक एसिड की बात करें, बीटा ऑप्शन में जो है बच्चों ये 4 कार्बन वाला फैटी एसिड है और इसके भी कार्बन कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब है ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। रेड ऑप्शन देखें, पार्मेटिक एसिड है, ये बच्चों 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है और इसके भी तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल होते हैं, इसका मतलब है ये भी सैचुरेटेड है। ऑलिक एसिड चालियों की बच्चे अगर हम बात करें तो ये 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है, लेकिन इसके बच्चे अंदर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसका मतलब है ये अनसैचुरेटेड है, ये करेक्ट ऑप्शन है और इसके कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान बच्चों डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक डबल बॉन्ड इसमें होता है और कार्बन 9 और 10 के दरमियान में, तो ये भी आपने बात रखनी है, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। जब नेक्स्ट जरा देखें, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए बच्चों कौन से नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होगा। तो बच्चे आपने ऑप्शन में से यूरासेल वाला देखना है, वो कॉम्बिनेशन जहां पे यूरासेल होगा डेफिनेटली वो डीएनए में मौजूद नहीं होगा। तो बच्चे हमने ऊपर भी चीज को डिस्कस किया, तो आप जरा देखें 4 ऑप्शन में एडेनिन का कॉम्बिनेशन बनाया गया यूरासेल के साथ, तो यूरासेल तो बच्चे डीएनए में होता ही नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। डीएनए में एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन आता है। जब बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन व्हिच इनहिबिटर हैज नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू सबस्ट्रेट एंड कंबाइन विद एंजाइम एट अदर देन द एक्टिव साइट। अच्छा बच्चों मैं यहाँ पर ना आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इनहिबिटर वाले टॉपिक से रिलेटेड, आपने याद रखनी है। इनहिबिटर वाला बच्चे जब भी टॉपिक आए ना तो आपने स्टेटमेंट में देखना है सबसे पहले ये कि जो आपको बताया गया स्टेटमेंट में इनहिबिटर के बारे में वो इंजाइम के साथ बॉन्ड कैसा बना रहा है। पहली बात तो हम बॉन्ड की करेंगे। अगर तो बच्चे इनहिबिटर इंजाइम के साथ बॉन्ड बना रहा है कोवलेंट, कोवलेंट बच्चों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, then inhibitor will be irreversible क्योंकि वो परमानेंटली एंजाइम के एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और दूसरा बच्चों अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ बॉन्ड बना रहा है जी आयनिक, आयनिक बॉन्ड बच्चे क्या होते हैं वीक होते हैं, then inhibitor will be reversible और रिवर्सिबल इनहिबिटर बच्चे कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करते हैं और इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ जेन्युइन सबस्ट्रेट। दूसरे बच्चों आपने बात याद रखनी है साइट ऑफ अटैचमेंट के, इनहिबिटर का उसने क्या बताया है कि वो किस जगह पर जाकर बाइंड कर रहा है। अगर तो बच्चे इनहिबिटर बाइंड करे एक्टिव साइट पे तो इसका मतलब है कि वो इनहिबिटर जेन्युइन सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी रख रहा था, तभी तो एक्टिव साइट पे जाके वो बाइंड कर रहा था, तो बच्चे वो इनहिबिटर होगा कॉम्पिटिटिव। और अगर बच्चे इनहिबिटर की जेन्युइन सबस्ट्रेट के साथ कोई भी जो है वो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, तो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर सकता बच्चे, वो अदर साइड पे एक्टिव साइट के अलावा कोई और साइड पे जाकर बाइंड करेगा और बच्चे वो और साइट होती है एलोस्टेरिक साइट, और वो एलोस्टेरिक साइट पे जाकर बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर देता है ताकि जेन्युइन सबस्ट्रेट भी ना लग सके। तो ऐसा बच्चे इनहिबिटर होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब आप बच्चे खुद स्टेटमेंट पढ़ के ये अंदाजा लगाएं कि मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं वो ठीक है नहीं है, आपसे इन ट्रिक्स की मदद से एमसीक्यू सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो जरा देखें स्टेटमेंट ने कहा इनहिबिटर हैज नो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी नहीं है इसका मतलब है एक्टिव साइट पे नहीं लग सकता, एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे लगेगा। और देखें उसने आगे ये बता भी दिया है कि वो बाइंड करेगा एंजाइम पे अदर देन एक्टिव साइट, तो इसका मतलब है बच्चों वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहा है। ऑप्शन बच्चे हम फाइंड करेंगे 4 ऑप्शन जरा देखें, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, यहाँ पर जो नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो इनहिबिशन आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखें द इनहिबिटर दैट बाइंड टाइटली, तो बच्चे ऊपर अभी हमने बात की थी अगर बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा कोवलेंट होगा टाइटली बॉन्ड करेगा तो इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। तो बच्चों आप देखो स्टार्ट वाली थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ के अंदाजा लगा लोगे कि ये किसकी बात करने वाला है, बच्चों ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करने वाला है। फौरन से बच्चे आप आगे वाली स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, आधी स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़नी, आगे वाली स्टेटमेंट पढ़े एंड डिस्ट्रॉय देयर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, कैटालिटिक एक्टिविटी आर। तो बच्चा आपको पता है जो टाइटली बाउंड करता है वो हमेशा इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। बीटा ऑप्शन बच्चे आंखें बंद करके जो है आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखें, एंजाइम ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स ससिनेट इनटू। तो बच्चे जो एंजाइम ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये क्रेब्स साइकिल में आने वाला एक एंजाइम है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसका सबस्ट्रेट बच्चों होता है ससिनेट या ससिनिक एसिड। तो बच्चों जब इसका सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके एक्ट करेगा तो एंजाइम इसको कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा? तो बच्चों जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगी वो होगी फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट। और उसके अलावा यहाँ पर जो एडिशनल चीज बनती है वो बच्चों आपने बात याद रखनी है। एडिशनल चीज यहाँ पर क्या बनती है कि दो हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलते हैं और वो FAD पॉजिटिव के साथ मिल जाते हैं और FADH2 बना देते हैं। तो इसका मतलब है इसकी प्रोडक्ट एक नहीं होती, फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट नहीं होती, बल्कि हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन को FAD पॉजिटिव ले जाता है, अपने साथ अटैच करवा लेता है, रिड्यूस हो जाता है और FADH2 की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो बच्चों आपने स्टेप पढ़ा भी होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, जब ससिनेट जो है फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, आपने देखा होगा उस पॉइंट के ऊपर FADH2 भी बन रहा होता है, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट बच्चे जरा देखें MCQs, इफ द डिटैचेबल कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक आयन। तो बच्चों मैंने आपको ऊपर ट्रिक्स बताई थी कोफैक्टर के वाले से, अगर डिटैचेबल है तो दो चीजें हो सकती हैं फौरन से आपके ध्यान में आनी चाहिए, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। तो बच्चे आगे उसने फौरन बता दिया है कि वो जो डिटैचेबल कोफैक्टर है वो एक इनऑर्गेनिक आयन है। तो बच्चों आपको पता चल गया कि कोएंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक। तो इसका मतलब है ये एक्टिवेटर की बात कर रहा है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, डैश इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो बच्चे आपकी बुक में क्लियर कट बताया गया कि सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। और बच्चे आपने एक एडिशनल बात याद रखनी है कि जो काइटन है ये फंजाई की सेल वॉल में पाई जाती है और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बच्चे आप पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू जरा देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कीटो शुगर। बच्चे आपने फॉलोइंग ऑप्शन में से कीटो शुगर को फाइंड करना है। कीटो शुगर बच्चे कौन सी होगी? वो कार्बोहाइड्रेट जिसके ऊपर कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो, उसको बच्चे हम कीटो शुगर बोलते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पर ना तमाम के स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो उसको इस चीज की एमसीक्यू की समझ भी आ जाए। जी बच्चों मैं A, B, C और D इन तमाम ऑप्शन के अंदर जिन जिन आपके मॉलिक्यूल्स का या जिन जिन सब्सटेंस का जिक्र हो रहा है उनका बच्चों मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि आपको उनकी समझ आ जाए। पहले मैं A, देन B, C और यहाँ पर बच्चों D जो है ऑप्शन में दी गई है शुगर, उसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आपने खुद फैसला करना है कि कीटो इनमें से कौन सी है। A बच्चों दी गई ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड बच्चों 3 कार्बन मोनोसेकेराइड है, ठीक है। इसके कार्बन 1 पे इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन 2 पे H और OH बच्चों कुछ इस तरतीब से आएंगे और कार्बन 3 के ऊपर CH2OH आ जाएगा। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। बीटा ऑप्शन में दिया गया डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये बच्चों 3 कार्बन जो है वो मोनोसेकेराइड है, ट्राइओज है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप होता है 2nd कार्बन पे, 1st कार्बन पे CH2OH और लास्ट कार्बन पे CH2OH। 4 बच्चों दिया गया राइबोज, राइबोज बच्चों एक पेंटोस है, 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है, ठीक है। मैं ये 4 ऑप्शन को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, चलें जी। तो 4 और 5 ये बच्चों 5 कार्बन हो गए। इसका भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे है, बाकी कार्बन के साथ आप देख सकते हैं रिलेटिव फंक्शनल ग्रुप जो है अदर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में लगे हुए हैं। फंक्शनल ग्रुप इसका कार्बन 1 पे ही है और ये बच्चों राइबोज आ गई। डेल्टा बच्चों ग्लूकोज, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेक्सोज प्रेजेंट इन नेचर। तो इसके बारे में बच्चे हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं। 6 कार्बन यहाँ पर होंगे, आप देख सकते हैं कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कार्बन 1 पे बच्चों इसका फंक्शनल ग्रुप है, बाकी जो रिलेटेड ग्रुप हैं वो बाकी कार्बन पे आपको नजर आ रहे होंगे, इसी तरतीब से होते हैं। ये बच्चे जरा गौर करें CH2OH। तो ये बच्चों आपके पास आ गया डेल्टा ऑप्शन ग्लूकोज का, ठीक है। अब यहाँ बच्चे जरा देखिए जो ग्लूकोज है इसके कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका मतलब है एल्डो शुगर है। 4 ऑप्शन में राइबोज दिया गया, इसके कार्बन 1 पे एल्डो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्डो शुगर है। बीटा ऑप्शन में बच्चों दिया गया था डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो बच्चे इसके कार्बन 2 पे कीटो ग्रुप है, इसका मतलब है ये कीटो शुगर है। और अल्फा ऑप्शन के अंदर एल्डिहाइड्स के भी कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये भी एल्डो शुगर है। तो उसने आपसे एमसीक्यू में पूछा था कीटो शुगर का, तो बच्चे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। तो ये बच्चे चीजें आपने याद रखनी है, आपके लिए बड़ी जरूरी होंगी, स्ट्रक्चर को मेमोराइज आपने करना है। जो नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, अमाइनो एसिड इन विच आर ग्रुप इज हाइड्रोजन। तो बच्चे अभी हम ऊपर डिस्कस करके आएंगे वो कौन सा अमाइनो एसिड था जिसके अंदर आर ग्रुप हाइड्रोजन था, ग्लाइसिन था, और वो अमाइनो एसिड जिसके अंदर आर ग्रुप मिथाइल हो बच्चे क्या था, एलानिन था। शाबाश। नेक्स्ट बच्चे देखें, एसाइल ग्लिसरॉल लाइक फैट एंड ऑयल आर एस्टर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चे जो एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बच्चों इनके अंदर फैटी एसिड और दूसरी इनके अंदर एक स्पेशल अल्कोहल होती है, उस अल्कोहल का बच्चों नाम है ग्लिसरॉल। बेसिकली ग्लिसरॉल बच्चों एक अल्कोहल है और ये ऐसी अल्कोहल है जो 3 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप रखती है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन बच्चों देखना है फैटी एसिड ग्लिसरॉल या फैटी एसिड अल्कोहल का ऑप्शन आपको मिल जाए। बच्चे जरा देखें बीटा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो बच्चों फैटी एसिड ग्लिसरॉल या अल्कोहल के साथ जब एस्टर लिंकेज बनाते हैं तो रिजल्ट के तौर पर चीज बनती है वो एसाइल ग्लिसरॉल होती है, ठीक है। और अगर 3 एस्टर बॉन्ड बन जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। जी बच्चे, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्यूरिन। तो बच्चे प्यूरिन ऐसी नाइट्रोजनस बेस हैं जो डबल रिंग होती हैं। बच्चे 2 ही प्यूरिन है, एक है एडिनिन एक गुवानिन, हम ऊपर इसका डिस्कस करके हैं। तो आपने फॉलोइंग ऑप्शन में से एडिनिन और गुवानिन को बच्चे फाइंड करना। तो आप अल्फा ऑप्शन में देखें गुवानिन दिया गया, ये बच्चों प्यूरिन है। बाकी जो 3 ऑप्शन है थायमिन यूरासिल और साइटोसिन, ये बच्चे पाइरिमिडीन होते हैं, ये सिंगल रिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू जरा देखें, इफ द कोफैक्टर, अब कोफैक्टर दोबारा आ गया, आपने बच्चे वही ट्रिक्स वही की पॉइंट याद रखने हैं। कोफैक्टर इज कोवेलेंटली और टाइटली। तो बच्चों डेफिनेटली आपको पता चल गया कोवेलेंटली और टाइटली अगर बाइंड हो और परमानेंटली बॉन्ड कर जाए, एंजाइम का परमानेंटली पार्ट बन जाए, तो बच्चों मैंने आपको बताया था वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवेलेंटली बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ, उसका हमेशा हिस्सा होगा। एक बच्चे में यहाँ पर आपको इसका दे देता हूँ एग्जाम्पल, एक आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चों पढ़ा होगा हीम ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये किस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का बच्चों ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इस एंजाइम का हमेशा हिस्सा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ हमेशा लगा रहता है, परमानेंटली अटैच रहता है, डिटैचेबल नहीं होता, ठीक है। ये ऑर्गेनिक है, नॉन प्रोटीन, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना। जो नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द वर्किंग ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो बच्चे पैंक्रियाटिक लाइपेज की आपने ऑप्टिमम पीएच बतानी है, ये वो पीएच होती है जिसके ऊपर ये मैक्सिमम बेस्ट अपना काम करता है। तो बच्चे एंजाइम वाले चैप्टर में आपको ये एक छोटा सा टेबल मिलेगा जहां पर बहुत से एंजाइम की जो है ना वो ऑप्टिमम पीएच के बारे में बताया गया। तो बच्चे आपने इस टेबल को याद करना है, मेमोराइज करना है ताकि आपको आसानी हो सके। यहाँ बच्चे हम फाइंड करेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो ये बच्चे जरा देखें पैंक्रियाटिक लाइपेज में लिखा हुआ है इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है 9। तो जो ऑप्शन में आप देखेंगे डेल्टा ऑप्शन आपको मिल रहा है 9 बच्चों ऑप्टिमम पीएच है पैंक्रियाटिक लाइपेज की। बाकी बच्चों आप जो है वो इनको सीक्वेंस के साथ याद करेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट तो होगा लेकिन बच्चों आपने इसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है, इसको याद करने की कोशिश करनी है। जी बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, इसको बच्चों याद करने की ना एक निमोनिक है, ठीक है ना, एक राइमिंग है, वो आप कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये बच्चों ये जरा देखें पेप्सिन लिखा हुआ है, तरतीब से याद करने और फिर आपने वैल्यूज याद करनी है। तरतीब से याद कर लेंगे, वैल्यूज याद करने में आसानी हो जाएगी। पेप्सिन सुक्रेज एंटेरोकाइनेज सलाइवरी एमाइलेज कैटालेज काइमोट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड आरजीनेज। तो भैया आप यहाँ पे लिखोगे पेशावर से एक सोल्जर कोरोला कार पे आया, ये बच्चे एक निमोनिक है, ठीक है, जस्ट इसको याद करने के लिए। अगर आपको इजी लगे आप बच्चों इसको यूज कर सकते हो इस ट्रिक को। ये जरा देखिए पी पेप्सिन, एस सुक्रेज, ई इंटेरोकाइनेज, एस सलाइवरीमाइलेज, सी कैटालेज, सी काइमोट्रिप्सिन, पी पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड ए आर्जिनेज। तो बच्चे ये कुछ ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं जिसको आप यूज करके अपने लिए आसान कर सकते हो, इसको ग्रैब करना, इसको समझना। ये बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द व्यू दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल एंड व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद इट कॉज चेंज इन एंजाइम। तो बच्चे आपने एंजाइम की फंक्शन या मैकेनिज्म वाले से 2 मॉडल पढ़े हैं, एक है लॉक-इन की मॉडल जो एंजाइम की एक्टिव साइट को रिजिड बताता है और दूसरा बच्चों इंड्यूस्ड मॉडल जो एंजाइम की एक्टिव साइट को फ्लेक्सिबल बताता है, चेंजेबल बताता है। तो डेफिनेटली बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंड्यूस्ड मॉडल, जिसको रिप्रेजेंट किया था डैनियल कोशलैंड ने। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा। बहुत आसान एमसीक्यूज, इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज बच्चे यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल कोएंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम, बच्चों आपकी बुक की लाइन है, कोएंजाइम कहाँ से बनते हैं? तो बच्चे जितने भी कोएंजाइम हैं ये विटामिन से डिराइव होते हैं। तो बच्चों आपने पॉइंट याद रखना है, ये बहुत जरूरी बच्चे एमसीक्यूज है। ये तकरीबन 3 से 4 दफा बच्चों एमडीकैट में बार बार आ चुका है और नम्स के अंदर भी आ चुका है, ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है बार बार। तो बच्चे आपको बताना चाहिए, आपकी बुक की लाइन है एंजाइम की वजह। जब आप इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे होते हैं चैप्टर के स्टार्ट में, वहां पर ये चीज लिखी हुई है कोफैक्टर वाले सब टॉकी के अंदर, तो वहां पर बताता है कि कोफैक्टर कुछ कोएंजाइम भी होते हैं। लेकिन बच्चे कोएंजाइम कैसे बनते हैं? विटामिन से ये ड्राइव होते हैं। तो ये एमसीक्यू ऐसे पूछ सकता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम को बनाने वाला प्रीकर्सर कौन है? तो बच्चे वो विटामिन है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट जरा देखें, द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चे रेस्पायरेशन में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको इस्तेमाल करने से एनर्जी बन रही होती है? तो बच्चों आपको पता है कि रेस्पायरेटरी फ्यूल जो प्राइमरी तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों वो ग्लूकोज है। ठीक है, ये बच्चे बड़ा जरूरी एमसीक्यूज है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपने एमसीक्यूज पे जरा गौर करना है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो यहाँ पर कह रहा है रेस्पायरेटरी सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा है फॉर द जनरेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बच्चे वो ग्लूकोज है। ठीक, प्राइमरी फ्यूल ऑफ रेस्पिरेशन भी यही है। नेक्स्ट बच्चे जरा देखें, द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप। अभी बच्चे आप ऊपर पढ़ के आए हो, जो सबसे सिंपल कीटो शुगर थी बच्चे वो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन थी, जो 3 कार्बन वाली होती है। तो बच्चे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। इससे छोटी बच्चे कोई भी कीटो शुगर नहीं होती। ठीक है, और सबसे छोटी जो एल्डो शुगर होती है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड होती है, वो भी 3 कार्बन वाली है। जो जरा देखें, द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, देन टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड विल बी। तो बच्चे आपने बात याद रखनी है, चैप्टर 20 सेकंड ईयर से एमसीक्यूज लिया गया, लेकिन बच्चे क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर आप न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हो, तो वहां से बच्चे कोरिलेट होकर एमसीक्यूज बन सकते हैं। बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, एक सिंपल सा फार्मूला है कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपसे जेनेटिक कोड कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं ना। तो बच्चे आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि आप यहाँ पर बच्चों बेस और पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, बेस एंड पावर। जी बच्चों, बेस एंड पावर। जैसे बच्चे आप इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर भी ये चीज इस्तेमाल करते हो, बेस और पावर का रूल। अब बेस और पावर का रूल है क्या? बेसिकली ये बच्चों रूल है कि आपने देखना है कि आपके पास जेनेटिक कोड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कितने नाइट्रोजनस बेस की आप बात करते हो। ठीक है, तो आप 3 बच्चों लेते हो जेनेटिक कोड के अंदर, तो बेस के तौर पर आप ले लोगे, बेस के तौर पे बच्चों आप ले लोगे न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसको आप पावर के तौर पे ले लोगे। तो जेनेटिक कोड के अंदर बच्चों कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कितनी नाइट्रोजन बेस होती है? 3 होती हैं। और टोटल वैसे नाइट्रोजनस बेस जो है वो किसी भी डीएनए आरएनए में जो एक टाइम पाई जाती है कितनी होती है? 4 होती है। तो बच्चे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 के पावर 4 कितनी होती है? 64। तो बच्चों ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब है अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड का जेनेटिक कोड वाला कॉम्बिनेशन बनाते हो, लेकिन आपके पास टोटल जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए या आरएनए में जो एक टाइम के ऊपर पाए जाते हैं बच्चे वो 4 हैं, तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये 64 आ जाएगा। तो बच्चे 4 ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा आप एक फार्मूला उधर भी इस्तेमाल करते हो बच्चों वेरिएशन जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जब हम उसके पास पेपर बनाएंगे वहां पर उसमें आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ गमेट्स कैसे फाइंड करते हैं इस फार्मूला की मदद से। जब नेक्स्ट जरा देखें, वाटरप्रूफ सरफेस लाइक क्यूटिकल ऑफ लीफ एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ इंसेक्ट बॉडी। तो बच्चे आपकी बुक में लिखा हुआ है लिपिड वाले टॉपिक के अंदर कि लीफ का क्यूटिकल और इंसेक्ट की बॉडी की कवरिंग जो वाटरप्रूफ होती है बच्चों किस चीज से बनती है? वो वैक्स से बनती है। वैक्स बच्चों एक ऐसा लिपिड है जो नॉन न्यूट्रिशनल है, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, ये टोटली बच्चों स्ट्रक्चरल है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प नहीं करता। एनर्जी प्रोवाइड करने वाले लिपिड बच्चे जो हैं वो साइलिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें, ऑल कोएंजाइम आर डिराइव्ड। हो जाए देखो बच्चा दोबारा जरा एमसीक्यूज ही आ गया, मैंने आपको बताया था ये एमसीक्यूज रिपीट होता है। तो बच्चे कोएंजाइम जो होते हैं वो डिराइव होते हैं विटामिन से, क्योंकि क्लियर कट बच्चों आपने बात याद रखनी है, कुछ एमसीक्यूज बार बार आते हैं एमडीकैट के अंदर। द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। ये बच्चों जरा देखिए, अब आपको ट्रिक काम करेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो रखता है वो कॉम्पिटेटिव होता है। ठीक है ना, और वो किसके साथ बाइंड करता है? मैंने आपको ये भी बताया था, वो एंजाइम की एलोस्टेटिक साइड पे बाइंड नहीं करेगा, वो एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद तो इसकी बच्चों स्ट्रक्चर सिमिलरिटी किसके साथ होती है? जेनुइन सबस्ट्रेट के साथ होती है, जिसकी वजह से ये बाइंड करता है कहां पर जाके? एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर जाके, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड नहीं करेगा। जी बच्चों नेक्स्ट जरा देखें, फिर एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। बच्चे आप ओबी पर पढ़ के आए हो, पैंक्रियाटिक लाइपेज की जो पीएच ऑप्टिमम वो 9 है, ठीक है, ये रिपीट हो गया एमसीक्यू। नेक्स्ट जरा देखें, अ कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एंजाइम और परमानेंट बेसिस। बच्चे फिर वही एमसीक्यू तीसरी दफा आ गया है, तो ये आपके पास क्या है जी? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक होता है और एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच कर जाता है। मायोसिन इज द डैश टाइप ऑफ प्रोटीन। बच्चों बुक से आया गया है, ये एमसीक्यूज लिया गया है। आपने बुक के ऊपर दो तरह की प्रोटीन पढ़ी है, ग्लोबुलर होती है, फाइब्रस होती है। तो बच्चे फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल के अंदर उसने लिखा हुआ है कि मायोसिन ऐसी फाइब्रस प्रोटीन है जो पाई जाती है मसल्स के अंदर। तो बच्चे ये फाइब्रस प्रोटीन है, लेकिन मायोसिन प्रोटीन का बच्चे जो हेड होता है आपने बात याद रखनी है, मायोसिन प्रोटीन का जो हेड है वो बच्चों ग्लोबुलर होता है और उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है। ये पॉइंट बच्चों आपको पता होना चाहिए। मायोसिन जो प्रोटीन है इटसेल्फ वो फाइब्रस है और वो मसल का स्ट्रक्चर बना रही है, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। लेकिन मायोसिन के अंदर अगर आप मजीद देखें तो मायोसिन के बच्चे हेड होते हैं जिसको आप प्रोसेस बोलते हो, वो ग्लोबुलर है। तो बच्चों ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है। Which one of following is example of unsaturated fatty acid? तो बच्चे जरा देखें, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, सिर्फ उसने बच्चे ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया। ब्यूटारिक एसिड सैचुरेटेड है, पाल्मिटिक एसिड सैचुरेटेड है, एसिटिक एसिड भी सैचुरेटेड है बच्चे, जबकि ऑलिक एसिड जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कार्बन 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न ऑफ डीएनए। तो ये बच्चे आपकी बुक के ऊपर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बाय वॉटसन एंड क्रिक के अंदर दिया गया है कि 10 बेस पेयर डीएनए के एक टर्न के अंदर पाए जाते हैं। बच्चे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि डीएनए जो है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनता है और दोनों इसकी जो चेन होती है बच्चे वो एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे सॉरी वो यहाँ से खत्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो एक टर्न कुछ इस तरीके से आ रहा था, ये फॉर एग्जांपल ये एक टर्न है, इस एक टर्न में ये जो इतनी जगह है इस जगह में बच्चों 10 बेस पेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक न्यूक्लियोटाइड इधर है ना चेन पे, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड इधर होगा। इनके दरमियान में आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर एडेनिन थायमिन होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, और अगर बच्चों साइटोसिन ग्वानिन होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये बच्चों एक बेस पेयर है, तो एक टर्न के अंदर इस तरह के 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। जो बुक के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, मतलब एक बेस पेयर के अंदर ना 2 नाइट्रोजनस बेस मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड होते हैं। तो आपने पॉइंट याद रखना है। जब जो नेक्स्ट जरा देखें, सम एंजाइम रिक्वायर हेल्पर व्हिच इज नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग दैट इज कॉल्ड एज। तो बच्चे इसमें जनरल बात की है, तो आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कोफैक्टर की तरफ नहीं जाओगे बल्कि आप कोफैक्टर लिखोगे। मतलब वो सिंपल बात कर रहा है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है, और हेल्पर्स का क्या होता है? नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। और फिर अगर आगे वो बताए कि वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, लूजली अटैच है, परमानेंटली उसका पार्ट है, तो बच्चे फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सब टाइप जो है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जरा देखें, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सेट बेस्ट पीएच। बच्चे आपने चीज पढ़ी हुई है कि जो पेप्सिन होता है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, स्टमक में पाया जाता है, और इसकी बच्चों बेस्ट ऑप्टिमम पीएच होती है 2। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चे 4 लिया है। सिंपल सा आपके पास ये एमडीकैट 2016 के अंदर आने वाला इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट बच्चे जरा देखें, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बच्चों डेफिनेटली आपकी बुक से एग्जांपल लेगा, और आपकी बुक में बच्चों मैंने आपको ऊपर भी एक एमसीक्यूज के अंदर बताया था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल के अंदर उसने ससिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जिक्र किया। ससिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो जेनो सबस्ट्रेट है वो ससिनिक एसिड है, लेकिन ससिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो बच्चे मेलोनेट है या मेलोनिक एसिड है। तो उसने बच्चे यहाँ पर पूछा क्या? उसने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पूछा, ठीक है ना। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बच्चे वो मेलोनेट होगा, मतलब मेलोनिक एसिड। और ये बच्चे इनहिबिटर किस एंजाइम का इनहिबिटर आपको ये बताना चाहिए, ये ससिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है। जी बच्चों नेक्स्ट जरा देखें, द कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सबयूनिट। तो बच्चों आपको पता है किसके बारे में बात कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट बच्चे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जब इनको तोड़ा जाता है तो इससे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सबयूनिट ही बच्चों डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही है। नेक्स्ट जरा देखें, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ डी अल्फा ग्लूकोज। अच्छा बच्चे अब आपने इसको टेक्निकली सॉल्व करना है। डी बच्चे वर्ड यूज किया जाता है डेक्सट्रोरेटेट के लिए, ये बच्चों किसी भी शुगर की ना ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर तो ग्लूकोज जो है वो डी ग्लूकोज है और वो आने वाली लाइट को राइट साइड के राइट हैंड के ऊपर टर्न कर देती है, वो डेक्सट्रोटेट ही होती है। अल्फा बच्चों इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रिंग में फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन के बच्चों अगर हाइड्रोजन ऊपर है और OH नीचे है तो वो अल्फा शुगर होगी। और अगर बच्चों फर्स्ट जो कार्बन है उसके OH ऊपर और H नीचे हो तो उसको बच्चों हम बीटा बोल देते हैं, ठीक है। अब बच्चे तो वो ग्लूकोज का, सबसे पहले तो आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना है। तो बच्चे डेल्टा ऑप्शन जरा देखें, ये 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज इज अ पायरेनोज, 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर वाली है। तो डेल्टा ऑप्शन तो बच्चों यहीं पे गलत हो गया क्योंकि ये 5 कॉर्नर है। फिर बच्चे आप अल्फा बीटा और चार्ली में से देखोगे। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें तो बीटा में दिया गया है ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH है और H नीचे, इसका मतलब है ये बीटा है। उसने अल्फा बच्चों आपसे पूछी है तो इसका मतलब है ये बीटा भी ऑप्शन नहीं होगा। चार्ली बच्चे अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर वैसे ही CH2OH और OH नीचे दिया गया, तो ये तो बच्चे होगी नहीं, ठीक है ना। तो ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ही। अल्फा की तरफ बच्चे अगर हम आए तो देखें जरा, कार्बन 1 के ऊपर H ऊपर और OH नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये अल्फा तो हो गई। अब हम देखते हैं ग्लूकोज है कि नहीं है। कार्बन 2 के ऊपर बच्चों H और OH, कार्बन 3 पे OH और H, कार्बन 4 पे H ऊपर OH नीचे और कार्बन 5 पे CH2OH और नीचे H, मतलब ये आपके पास एग्जैक्ट बच्चे स्ट्रक्चर जो है वो डी अल्फा ग्लूकोज का आ जाएगा। तो बच्चे अल्फा ऑप्शन जो है आपके पास वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चे आपने हर जो पॉइंट है, हर जो MCQs है उसके बारे में इंडिविजुअली सोचना है, और अगर वो ठीक है तो ठीक क्यों है, अगर बच्चे वो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग क्यों है, इसके बारे में आपने गौर से सोच के फिर बच्चों मार्क करना है। नेक्स्ट जरा देखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन। बच्चे आपने देखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट होता है ऐसी प्रोटीन में जो फाइबरस होती है, जो स्ट्रक्चर बनाती है। तो बच्चे आप देखें जरा, ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एक हार्मोन है, सॉरी एंजाइम है, और एंजाइम बच्चे ग्लोब्यूलर होते हैं। चार्ली ऑप्शन में लिखा है इंसुलिन, इंसुलिन बच्चों एक हार्मोन है और इसमें भी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। डेल्टा ग्लूकागॉन, ये बच्चों एक हार्मोन है, इसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है तो ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं रखती है, टर्शियरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रखती है। तो जो बीटा ऑप्शन है केराटिन, केराटिन बच्चे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये आपके नेल्स और हेयर में पाई जाती है और इसके अंदर मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना वो सेकेंडरी होता है। जो नेक्स्ट जरा देखें, वैक्सीज आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड विद। तो जो वैक्सीज के अंदर फैटी एसिड का जो कम्बिनेशन बनता है वो बहुत सी चीजों के साथ बनता है, लेकिन फॉलोइंग में से अगर आप देखें तो बच्चे आपने यहाँ पे अल्फा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अल्कोहल, ठीक है। वैक्सीन में बच्चे फैटी एसिड अल्कोहल के साथ, उसके अलावा कीटोन के साथ, अल्केन्स के साथ, ऐसे अल्केन्स जो कार्बन 25 से लेके कार्बन 35 तक होंगे, ये तमाम चीजें बच्चे जब मिक्स होती हैं तो वैक्सीन बनती है, ठीक है। तो फॉलोइंग ऑप्शन में से अल्कोहल जो है बच्चे वो वैक्सीन के अंदर पाई जा रही होती है। जी बच्चे नेक्स्ट ऑप्शन जरा देखें, एमसीक्यू जरा देखें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है। तो जो आपकी बुक के ऊपर चैप्टर 20 DNA क्रोमोसोम वाले में आपको देख सकते हो कि दो न्यूक्लियोटाइड को बच्चों यहाँ पर शो किया गया किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में आपने देखना है कौन कौन से एटम की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये बच्चों आपने देखना फॉलोइंग ऑप्शन में आपको कहाँ पर मिलता है। तो ये बच्चे जरा देखें, 4 ऑप्शन जरा देखें, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसका मतलब है यही ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, चार्ली, ये ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। ये बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, द एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम टू कैटालाइज द सबस्ट्रेट, द मैग्नीशियम इज बेस्ट आइडेंटिफाइड। तो बच्चों जो मैग्नीशियम है ये एक मेटल आयन है इनऑर्गेनिक, और एंजाइम को हेल्प कर रहा है सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने के अंदर। तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये बच्चों एक्टिवेटर है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था एक्टिवेटर जो होते हैं इनऑर्गेनिक मेटल आयन, और ये लूजली अटैच करते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें, ये आपको यहाँ पर एक डायग्राम दी गई, उस डायग्राम में बच्चों एक इनहिबिटर शो किया गया है, एक एंजाइम शो किया गया है और एक सबस्ट्रेट शो किया गया है। डेफिनेटली बच्चों सबस्ट्रेट आप देख सकते हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये यहाँ पर बाइंड करेगा पर बाइंड नहीं किया, बाइंड करेगा, ये एक्टिव साइट है। और इनहिबिटर बच्चों देखो एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करा, बल्कि एक्टिव साइड के अलावा एक साइड है वहां पर बाइंड करने की तैयारी कर रहा है, और ये बच्चों जगह है एलोस्टेरिक साइड। तो बच्चों आपने क्लियर कर ये ज़हन में सोच रहे हैं कि अगर इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करे तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो बच्चे आप जरा देखें आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है द फिगर रिप्रेजेंट डैश इनहिबिटर। तो बच्चों आपको क्लियर करता चला गया, इनहिबिटर अगर एक्टिव साइड के अलावा किसी और साइड पे एलोस्टेरिक साइड पे मतलब बाइंड करे तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। अल्फा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, तो ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जरा देखें, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड एज सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम। तो बच्चे अगर एंजाइम की एक्टिव साइड मॉडिफाई हो जाए, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है, तो बच्चे वो कौन सा मॉडल होगा, इंड्यूस्ड मॉडल बाय डैनियल कोशलैंड। लॉक एंड की मालूम बच्चे बेसिकली एंजाइम की एक्टिव साइट की रिजिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय पीएच। तो बच्चे जरा देखें, पेप्सिन ऐसा एक एंजाइम है जो स्टमक में है और ये बेस्ट काम करता है 2 पीएच के ऊपर। तो बच्चे इसको 2 पीएच के ऊपर मैक्सिमम अपना रेट शो करना चाहिए और बाकी जो पीएच है उनके ऊपर कम शो करना चाहिए। तो बच्चे जरा देखें अल्फा ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं। अल्फा ऑप्शन में आप देखें पीएच 2 से 10 तक दी गई है और इंजाइम के बच्चों बेस्ट एक्टिविटी ये जरा देखें यहाँ पर शो होगी। आप परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करें नीचे, ये तो 6 पे आ रहा है तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पेप्सिन तो बच्चे बेस्ट एक्टिविटी शो करता है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। अब जरा देखें चार्ली की तरफ आ जाए। चार्ली में बच्चों आप देखें कि बेस्ट यहाँ तक पीक आ रही है, इसको बच्चे अगर ड्रॉ करेंगे बच्चे 6 पीएच पे आ रहा होता है, पेप्सिन 2 पे बेस्ट काम करता है तो ये भी पेप्सिन का ग्राफ नहीं है जी। बच्चे बीटा जरा देखें आप, तो बीटा के अंदर ये मैक्सिमम बच्चों यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है और ये बच्चे आप देखें तकरीबन 5 पीएच को शो कर रहे हैं तो आपको पेप्सिन तो बच्चे 2 पे काम करते हैं, ठीक है तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। आप डेल्टा में जरा देखें, डेल्टा को बच्चे अगर आप ड्रॉ करो यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ तो परपेंडिकुलर तकरीबन बच्चों 2 के राउंड अबाउट आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो 2 के राउंड अबाउट बच्चों ये बेस्ट अपना काम कर रहा है पेप्सिन, इससे आगे और पीछे अगर पीएच होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन का काम होगा। इसका मतलब है जो इंजाइम के इफेक्ट को बेस्ट ग्राफ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है बच्चे वो डेल्टा वाला है कि वो आपको बता रहा है कि 2 पीएच और उसकी थोड़ी बहुत आगे पीछे इंजाइम जो पेप्सिन है बड़ा अच्छा काम करता है और अगर आप थोड़ा सा इसको ज्यादा चेंज कर दें तो इसके ऊपर इसकी फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट आता है। जब बच्चे नेक्स्ट जरा देखें डैश आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड। तो जी आपने वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताना है जो मोनोसेक्राइड से रिलेटेड है। जी बच्चे अल्फा ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बच्चे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसेक्राइड में पाए नहीं जाते क्योंकि मोनोसेक्राइड क्या है सिंगल यूनिट है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो तब आएगा जब आपने 2 मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ना है तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन नहीं होगा। फिर बच्चे हम यहाँ पर आ जाते हैं बीटा पे कीटो ग्रुप। तो बच्चे कीटो ग्रुप जो है ये तो हो सकता है मोनोसेक्राइड में। चले हम आगे देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो नहीं ऑप्शन में ना, आपने मोनोसेक्राइड के वाले से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। माल्टोज बच्चों माल्टोज तो डाइसेक्राइड है तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। फ्रुक्टोज जो है बच्चों ठीक है ये जो है वो एक मोनोसेक्राइड है और ये कीटो शुगर है, ठीक है। अब जरा देखें आपको ऑप्शन में हम स्टेटमेंट दोबारा जरा पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है डैश आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, आपने बताना है कि वो स्ट्रक्चर जो मोनोसेक्राइड के अंदर पाए जाते हैं। अब फ्रुक्टोज इटसेल्फ बच्चों मोनोसेक्राइड है तो आपने स्ट्रक्चर बताना था तो बच्चों डेल्टा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा एक मोनोसेक्राइड है तो बच्चों बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बीटा ऑप्शन कीटोन ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो मोनोसेक्राइड के अंदर पाया जा सकता है। तो ये बच्चों एक कंसेप्चुअल एमसीक्यू था, आपने इसको समझ के करना है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज है। ऐसा एमसीक्यू दोबारा आ सकता है, ये एमडीकैट 2017 के अंदर बच्चों आया हुआ। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज देखें डैश आर द मेजर साइट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल। बच्चों इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज आपकी बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है कि एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है इनके लीवर और मसल के अंदर। तो आप जरा देखें अल्फा ऑप्शन के अंदर दिएगा मसल एंड लीवर, तो ये बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, ज्यादातर प्रोटीन बच्चों कितने अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से आपस में मिलने से बनती हैं। तो बच्चों आपको क्लियर कट पता है कि 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं ज्यादातर जिनके मिलने से ज्यादातर प्रोटीन जो वो बन रही होती हैं। वैसे तो 25 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बच्चे प्रोटीन के अंदर देखे गए हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और अगर हम अमाइनो एसिड इंडिविजुअली बात करें तो बच्चे अभी तक तकरीबन 170 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वजह देखिए if in lipid there is an high proportion of unsaturated fatty acid then it will be। तो बच्चे आप बाजार रखना है कि अगर फैटी आपके पास जो लिपिड्स हैं उनके अंदर अनसेचुरेशन ज्यादा हो मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा हो तो ऐसे बच्चे जो आपके पास लिपिड्स होते हैं ना वो कहलाते हैं ऑयल्स जो प्लांट से डिराइव किए जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि बच्चों एनिमल में जो लिपिड्स पाए जाते हैं ना वो अनसेचुरेटेड नहीं होते, वो सेचुरेटेड होते हैं और उनको बच्चे हम फैट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये सॉलिडिफाई होते हैं, जबकि जो ऑयल्स हैं ये व्हेन एक्सरेज आर पास थ्रू क्रिस्टलाइन डीएनए इट शोज हेलिक्स मेकिंग वन ट्विस्ट एवरी। तो बच्चों ये भी एमसीक्यूज कोरिलेशन के साथ यहाँ पर आ रहा है। ये बेसिकली सेकेंड ईयर के जो चैप्टर 20 डीएनए क्रोमोसोम है वहाँ पर डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो मॉडल दिया गया, बल्कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर ही बच्चों ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ना वो दिया गया लेकिन ब्रीफली वहाँ पर दिया गया। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जब रोजालिन फ्रैंकलिन ने मॉरिस विल्किन की लैब के अंदर एक्सरे डायफ्रैक्शन की थी डीएनए के क्रिस्टल्स को लेके तो डीएनए का बच्चे जो हेलिक्स का एक ट्विस्ट जो एक टर्न था उसका डायमीटर कितना था। तो बच्चों ये क्लियर कट डायग्राम में आपको नजर आ जाएगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट है 3.4 नैनोमीटर बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि डीएनए के एक टर्न के अंदर बच्चे 10 जो है वो बेस पेयर पाई जाती है। नेक्स्ट जरा देखें फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ। तो बच्चों यही एक नाइट्रोजनस बेस आपको दी गई है और ये नाइट्रोजनस बेस आपको स्ट्रक्चर देके पूछ रहा है कि कौन सी नाइट्रोजनस बेस है। आपकी बुक में बच्चों कुछ इस तरीके से ही आपको नजर आएगी। जरा देखें यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। ये बच्चों पहली बात तो ये है कि एक सिंगल रिंग है, डबल रिंग नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, पायरिमिडीन होगी, प्यूरीन नहीं होगी। तो एडीनिन ग्वानीन तो हो नहीं सकती। तो ऑप्शन में अगर एडीनिन ग्वानीन होगा तो बच्चों आप क्लियर कट वहीं से इसको गलत कर दोगे। ये बच्चों जरा देखें ये पहले कार्बन जो ऊपर वाली साइड पे आपको ये जो कार्बन नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ पर ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये वाले कार्बन पे ये इस तरीके से और ये वाली नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। ये बच्चों जो आपके पास पायरिमिडीन है ये है साइटोसिन। अब आपने याद रखना है तीन आपके पास बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, पायरिमिडीन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। तो बच्चे इसकी ना काउंटिंग हम यहाँ स्टार्ट करते हैं वाले नाइट्रोजन से 1, 2, 3 एंड 4। तो बच्चे अगर फोर्थ कार्बन, ये वाला फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे अगर अमाइन ग्रुप हो तो बच्चे वो होता है साइटोसिन। अगर फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो तो बच्चे वो थायमीन और यूरासिल, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इनकी फर्दर फिर इंडिकेशन की एक और निशानी होती है। तो हमने सिंपल बात याद रखनी है, ऐसी पायरिमिडीन जिसके कार्बन 4 के ऊपर बच्चों ये अमाइन ग्रुप हो वो क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ली साइटोसिन। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखिए, ऑल एंजाइम आर। तो बच्चों क्लियर कट पता है, बुक की लाइन है ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन कभी भी नहीं होते एंजाइम, क्योंकि एंजाइम बच्चों फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज द रिवर्स। तो बच्चे हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल को आपने वाटर की मदद से तोड़ के छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है और ये बच्चों रिवर्स है कंडेंसेशन का, जिसमें आप छोटे यूनिट्स को जोड़ के बड़ा जो है ना वो पॉलीमर बना सकते हो। ये बच्चों यूएचएस 2022 के अंदर रिसेंटली ये एमसीक्यूज आया हुआ है। नेक्स्ट बच्चे देखें व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। जब बच्चे आप किसी लिपिड को लाइक जो मेम्ब्रेन में बच्चों पाए जाते हैं लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, इनको आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो बच्चे फॉस्फोलिपिड में ऊपर वाली जगह जो आपको राउंड नजर आ रही है इसका हेड है और नीचे इसकी टेल है। जब आप इसको वाटर के अंदर ऐड करोगे तो इसके हेड बच्चों बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे और इसकी टेल अंदर की तरफ इम्बेडेड हो जाएंगी। ये दिखा देंगे सर्फेस एरिया इनका रिड्यूस हो जाएगा। तो होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों ऐसे ही होता है कि जो हेड्स होते हैं वो बाहर वाली साइड पे होते हैं और टेल अंदर वाली साइड पे होती हैं ताकि बच्चों हेड्स वाटर साइन इंटरेक्ट कर सके और टेल वाटर साइन इंटरेक्ट ना करें क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक होती है और इससे मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी बच्चे श्योर रहती है। नेक्स्ट जरा देखिए वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। तो बच्चे बुक की लाइन है, बुक में आपको क्लियर कट मिलता है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। तभी बच्चों वाटर के अंदर जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो जाकर डिसोसिएट हो जाते हैं और जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो भी इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। तो बच्चे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है, मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो रिमूवल ऑफ बच्चों वाटर होती है, ठीक है, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से होगा। नेक्स्ट जरा देखें स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर, फ्रूट एंड ग्रेन्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। इंस्टेड एनिमल सेल्स हैव अ सब्सटेंस स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल। तो बच्चे इससे मिलता जुलता एमसीक्यूज अभी हम ऊपर करके आए कि एनिमल के अंदर जो चीज स्टोर होती है एनर्जी पर्पस के लिए ताकि फ्यूचर में इसको इस्तेमाल किया जा सके, वो स्टार्च नहीं होती, वो ग्लाइकोजन होती है। स्टार्च बच्चों प्लांट के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट देखें द कोवलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड इज कॉल्ड। तो बच्चे वो कोवलेंट बॉन्ड या ब्रिज जो दो मोनोसैकेराइड के दरम्यान में बनता है डाइसैकेराइड बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों जब आपस में जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंपल आपने बात याद रखनी है, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेंगी, एस्टर के साथ जुड़ेंगी और न्यूक्लियोटाइड बच्चों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तमाम बॉन्ड में आपको बता रहा हूँ, जो लिंकेज बता रहा हूँ, तमाम के तमाम कोवलेंट है। नेक्स्ट बच्चे आपसे जरा देखें विच एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। तो बच्चे यहाँ पर जो एग्जाम्पल डाइसैकेराइड की है क्लियर कट देख सकते हो, लैक्टोज है। ये बच्चों लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। यहाँ पर आपको ग्लाइकोजन नजर आ रहा है। ग्लाइकोजन बच्चों क्या है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च बच्चों पॉलीसेक्राइड है और फ्रुक्टोज जो बच्चे मोनोसेक्राइड है। तो हमने डाइसेक्राइड पूछा था और बच्चों डाइसेक्राइड ऑप्शन में लैक्टोज को आइडेंटिफाई कर लिया। मोनोसेक्राइड हैव अ जेना फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। तो बच्चे मोनोसेक्राइड का जो जेना फार्मूला होता है ना वो है जी अल्फा ऑप्शन के अंदर CnH2O(n), क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन में बच्चों जितने नंबर ऑफ कार्बन मोनोसेक्राइड के अंदर पाए जाएंगे वो H2O(n) के बच्चों उतने ही कार्बन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ C6H12O6। कार्बन में जो कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर ग्लूकोज में पाए जा रहे हैं 6, तो एन की वैल्यू आ गई 6। अब आप ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके देखें CnH2O होल n, n की जगह 6 रखें, ये बच्चे जरा देखें। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा C6H12O6। तो बच्चे ये तमाम मोनोसेक्राइड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड, तो बच्चे जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो स्टार्च की तो ऐसा नहीं होता फौरन से टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि बच्चों ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले एक डाइसेक्राइड माल्टोज के अंदर, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, यूएचएस 22 के अंदर बच्चों रिसेंटली एमसीक्यूज आया हुआ और ये पहले रिपीट नहीं हुआ इस साल, लेकिन रिपीट हो सकता है, इसके चांसेस, तो आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट जरा देखें, ब्यूटारिक एसिड इज अ डैश कार्बन फैटी एसिड। अभी बच्चे हम ऊपर डिस्कस करते हैं, ब्यूटारिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। जो बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, व्हिच ऑफ फॉलोइंग होल्ड द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस। तो बच्चे वो कौन सी चीज है जो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटलेट शीट को अपनी जगह पर होल्ड करके रखती है, तो बच्चे वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तभी हम कहते हैं कि प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे जरा देखें, द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अलोंग अ पॉलीपेप्टाइड। नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अलोंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज। तो बच्चे ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें आप अमीनो एसिड के नंबर और उनके सीक्वेंस को देखते हो। और अगर बच्चे आप प्रोटीन के अंदर उसके रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन लाइक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटलेट शीट को देखो तो ये इसका जो है वो आ जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अगर बच्चे आप देखो उसकी फोल्डिंग बैक को और उसके टर्न को और बाद में उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। और जब बहुत से टर्शियरी स्ट्रक्चर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो बच्चे आपके पास क्या बन जाता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। लाइक ये आप यहाँ पे जरा देखें, अमाइनो एसिड बच्चों एक चेन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन में है, तो आप इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड को भी देख सकते हो कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड आ रहा है, कितने नंबर हैं और इनका सीक्वेंस बच्चों देख सकते हो। ये प्रोटीन का होगा बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर बच्चों यही पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर जो अमाइनो एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ही अल्फा हेलिक्स बना लें या कुछ जगह पर बीटा प्लेटलेट शीट्स बना लें, तो अब बच्चों ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो स्ट्रक्चर आ गया वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। अब फर्दर बच्चों ये मजीद अगर फोल्डिंग करे यही पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जरा देखें इस तरीके से बेंड करे और फोल्ड बैक हो जाए और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये बच्चे इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो बच्चों जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती हैं और एक जगह पर ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, डेफिनेटली जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो मैक्सिमम बच्चों टर्शियरी लेवल तक जा सकती है। तो इससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब टर्शियरी स्ट्रक्चर पे जाएंगी और एक जगह पर आके क्यूमुलेट हो जाएंगी तो ये बच्चों स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। तो बच्चों आपने ये चीज जहन में रखनी है। नेक्स्ट जरा देखें, मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। तो बच्चे ये एमसीक्यू देखें आप, रिपीट हो रहा है, ज्यादातर प्रोटीन 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन फॉर्म ऑफ। तो बच्चों फाइब्रस जो प्रोटीन होती हैं तो वो उनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ना वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते बल्कि बच्चे वो फिब्रल्स बनाते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते हैं, फिब्रल्स बना रहे होते हैं, ये आपने पॉइंट याद रखने। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर या जो फंक्शनल रोल प्ले करती हैं प्रोटीन, उनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो राउंड एलिप्सॉइडल या बच्चे जो आप कह रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना के वहां पर महफूज होती है। इन ग्लाइसिन आर इज, बच्चे देखें एमसीक्यू दोबारा रिपीट हो रहा है, ग्लाइसिन के अंदर आर जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट जरा देखें, यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट। तो बच्चे यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ फुली पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी, मतलब एक चेन की यहाँ पर वो बात कर रहा है, अगर वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए तो आपको पता है मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो बच्चे यहाँ पर जरा देखें, ये तीसरी दफा एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो बच्चे जरा देखें, स्टेरिक एसिड जो है ये 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है, लेकिन बच्चों कैसा है, सैचुरेटेड है। डेटा जरा देखें, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, सैचुरेटेड है। अल्फा ऑप्शन है ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन वाला फैटी एसिड है लेकिन सैचुरेटेड है। और बच्चे जो बीटा ऑप्शन है ऑलिक एसिड, ये 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है लेकिन बच्चों ये अनसैचुरेटेड फैटी है, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है। लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बच्चे ये हमने सबसे पहले एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस किया था, लिपिड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से लिपिड के अंदर एनर्जी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर बच्चों हम 1 ग्राम हम लिपिड लें तो उस 1 ग्राम लिपिड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9000 कैलोरीज बच्चे जो एनर्जी है वो देने की काबिलियत होती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लें तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर तकरीबन 4000 कैलोरी जब बच्चों डोनेट करने की काबिलियत होती है। और अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लें तो बच्चे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3800 कैलोरी डोनेट करने की काबिलियत होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो कैपेबिलिटी है, सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है वो बच्चों किसके अंदर है, वो लिपिड्स के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, लिपिड्स सबसे ज्यादा एनर्जी को होल्ड कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है। लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ, बच्चे देखें वही एमसीक्यूज बार बार आ रहा है, ड्यू टू द हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो बच्चे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल के कंबाइन करने से मिलेंगे, लेकिन वो जो दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्लास भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 40 ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कंबाइन करने से मिलेगा। नेक्स्ट जरा एमसीक्यूज देखें। एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, रिपीट हो रहा है बच्चों एमसीक्यूज। एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और ये बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, इनकी नेचर जो है वो ग्लोब्यूलर है और एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देंगे। ये बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा आप देख सकते हैं इशू है। बेसिकली इसकी स्टेटमेंट है कि इंजाइम परफॉर्म देयर फंक्शन बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। इंजाइम परफॉर्म देयर रिएक्शंस बाय डैश आ जाएगा। बच्चे करेक्ट ऑप्शन होगा बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके बच्चे जो है वो रिएक्शन को करवाते हैं। नेक्स्ट जरा देखें। जिंक आयन इज अटैच्ड टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। दिस जिंक आयन फंक्शन है। तो बच्चों आपको पता है जो मेटल आयंस होते हैं वो एंजाइम के कोफैक्टर और कैसे कोफैक्टर हैं बच्चों, ये एक्टिवेटर्स होते हैं। ये तकरीबन तीसरी से चौथी दफा बच्चों इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट देखें द नॉन प्रोटीन पार्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो बच्चे वही चीज है कोफैक्टर, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन होता है, एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है। नेक्स्ट देखें अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। तो बच्चे ये भी थर्ड से फोर्थ टाइम जो है ये एमसीक्यू रिपीट होकर आ रहा है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऐसा बच्चे एंजाइम के रिएक्शन का मॉडल है जो बताता है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन प्रपोज बाय एमल फ्रीज सजेस्ट दैट। ठीक है, तो बच्चों लॉक एंड की मॉडल ये बताता है कि एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो आप अगर अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें वो कह रहा है एंजाइम आर अनबाइस्ड। तो बच्चों लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम जो होते हैं वो बाइस्ड होते हैं। बीटा ऑप्शन देखें एंजाइम कैन मॉडिफाई देयर एक्टिव साइट। तो बच्चों ये भी नहीं होगा, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग है। 40 क्या है एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइप। तो ये बच्चे कुछ ऑप्शन जो है ना वो ठीक लग रहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह के रिएक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट होते हैं, तभी तो बच्चों ये रिएक्शन को लेके स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, दैट ऑप्शन क्या है बच्चों एंजाइम कैन कैटलाइज वैरायटी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे वैरायटी ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करते, ये स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन को लेके लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जरा देखें एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ड्यू टू। क्योंकि बच्चों वो इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि वो कंडीशंस चेंज कर देते हैं एक्टिव साइट के अंदर बाय चेंजिंग कंडीशन विद इन द एक्टिव साइट। क्योंकि बच्चों जितना भी रिएक्शन से रिलेटेड काम होता है एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट जरा देखें व्हाट इज कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बच्चे कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव अगर आप बुक पे गौर करें तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन की टाइप्स दी गई हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, मतलब इनके इफेक्ट, दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चे जरा एमसीक्यू देखें, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बुक में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपने इसको खुद बच्चे सॉल्व करना है। एप्लीकेशन बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इनगल्फ्ड द टॉक्सिक कंपाउंड ए, ठीक है, which was a potent inhibitor of certain enzyme. He was immediately brought to hospital where the doctor inject intravenously substrate B to minimize the toxic effect of compound A. इसका मतलब है compound A toxic था, जब डॉक्टर ने substrate B को इंजेक्ट किया उसकी वेन में तो A का इफेक्ट खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया और उसकी लाइफ या बच्चों वो बच गई। तो इसका मतलब है जो A सब्सटेंस था वो बच्चे क्या था, वो एक इनहिबिटर था हमारी बॉडी के किसी एंजाइम का, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो खतरे में आ गई थी। लेकिन बच्चों जैसे ही डॉक्टर ने उस इनहिबिटर के जेन्युइन जो है वो सबस्ट्रेट को ऐड किया, मतलब एंजाइम की इनहिबिशन हुई थी ना, तो जेन्युइन सबस्ट्रेट को ऐड किया तो इनहिबिटर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसका मतलब है जो सबस्ट्रेट बी है वो जेन्युइन सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो टॉक्सिक कंपाउंड ए है ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर को। ठीक है, तो अब जरा देखो आपसे पूछ क्या रहा है The treatment method shows that compound A was a inhibitor. बच्चे कंपाउंड ए कौन सा इनहिबिटर होगा? अभी मैंने आपको बताया है ये एक कम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर होगा, तभी बच्चे जेनुइन सबस्ट्रेट जो कि डी है इसको ऐड करने से लाइफ जो है वो बच गई। नेक्स्ट जरा देखें कम्पिटेटिव इनहिबिटर कम्पीट विद, तो बच्चों आपको पता है ये जेनुइन सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स है, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों इनके पास जेनुइन सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती, तभी तो बच्चे ये क्या करते हैं एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या है, अल्फा ऑप्शन है अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट, तो बच्चों ये नहीं है। बीटा ऑप्शन है अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये हमें ठीक लग रहा है, बाकी भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चौथा ऑप्शन है डिफरेंट कॉन्फिगरेशन बट फिट इनटू द एक्टिव साइट, बच्चे एक्टिव साइट पे नहीं लगते एलोस्टेरिक साइट पे लगते हैं, गलत है ये। डेल्टा ऑप्शन जरा देखें अ सिमिलर कॉन्फिगरेशन बट डज नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट, तो बच्चे इसकी सिमिलर कॉन्फिगरेशन नहीं होती डिफरेंट होती है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास एमसीक्यूज जितने भी 2008 से लेके 2022 तक जो है वो यूएचएस एमडीकैट ने कंडक्ट किए हैं, उसमें बार बार आप देख सकते हो कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। अगर बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और फर्दर इस तरह की वीडियोज को देखने के लिए बेल के आइकन को बच्चे प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।